गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे उन डिजीज़ेस के बारे में जो ब्लड की वजह से होते हैं, है ना। ब्लड में कोई डिफेक्ट हो गया या फिर कोई डिसऑर्डर प्रोड्यूस हो गया, इसकी वजह से जो डिजीज़ेस होते हैं उनसे रिलेटेड उन टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला क्या है? एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या है कि जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम हो जाती है ड्यू टू लो प्रोडक्शन ऑफ RBCs, तो उसकी वजह से क्या है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑर्गन में वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती, ठीक, तो उसको क्या कहेंगे हम, एनीमिया कहेंगे। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा, पॉलीथीमिया। पॉलीथीमिया क्या होता है? एन एक्सेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जब रेड ब्लड सेल्स एक्सेस अमाउंट में प्रोडक्शन उनका होने लगे, है ना, ज़्यादा क्वांटिटी में बनने लगे, तो उसको क्या कहेंगे, पॉलीथीमिया। नेक्स्ट क्या है, इरिथ्रोसाइटोपिनिया। इरिथ्रोसाइटोपिनिया क्या है, डिक्रीज इन RBC काउंट देन नॉर्मल, मतलब कि RBCs जो हैं वो जितना नॉर्मल प्रोड्यूस होने चाहिए उससे कम प्रोड्यूस हैं, तो उसे क्या कहेंगे, इरिथ्रोसाइटोपिनिया, ठीक। नेक्स्ट क्या है, एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया क्या है कि जो बोन मैरो होता है हमारी बॉडी में, वहाँ पे RBCs का प्रोडक्शन उनमें बोन मैरो में जब डिफेक्ट हो जाए किसी कारण से, है ना, और प्रॉपरली RBCs का फॉर्मेशन ना हो पाए, ठीक, तो जो है इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर डेवलप हुआ RBCs का, तो उसको क्या कहेंगे, एप्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट क्या है, ब्लड डिस्क्रेसिया। ब्लड डिस्क्रेसिया का क्या मतलब है कि जब ब्लड जो है एबनॉर्मलिटी ऑफ ब्लड सेल्स, मतलब जो ब्लड सेल्स हैं उसमें एबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस हो, है ना, मतलब एबनॉर्मल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन या फंक्शन का फॉर्मेशन हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, ब्लड डिस्क्रेसिया। नेक्स्ट क्या है, एग्रेनुलोसाइटोसिस। एग्रेनुलोसाइटोसिस मीन्स ग्रेनुलोसाइट का जो है रिडक्शन हो जाए, मतलब कमी आ जाए बोन मैरो में, अकाउंट ड्यू टू बोन मैरो डिप्रेशन। बोन मैरो डिप्रेशन मतलब कि कोई प्रॉब्लम, जब आपका बोन मैरो प्रॉपरली फंक्शन ना हो, बोन मैरो डिप्रेशन उसको कहेंगे, जब बोन मैरो प्रॉपरली फंक्शन ना करे, जिसकी वजह से क्या हो जाए कि ग्रैनुलोसाइट्स जो हैं आपके उनका कमी आ जाए उनके फॉर्मेशन में, तो उसको क्या कहेंगे, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्या है, इओसिनोफिलिया एंड बेसोफिलिया। ये क्या है, अ फॉर्म ऑफ रिलेटिव ल्यूकोसाइट्स, मतलब ल्यूकोसाइट जो आपके WBCs होते हैं, इन विच देयर इज इंक्रीज इन द ईओसिनोफिल्स, मतलब आपके ईओसिनोफिल्स बढ़ जाएं तो उसको क्या कहेंगे, ईओसिनोफिलिया, और जब आपका बेसोफिल्स बढ़ जाए तो उसको क्या कहेंगे, बेसोफिलिया। तो क्या है, अ कंडीशन इन विच देर इज मोर देन यूजुअल नंबर ऑफ बेसोफिल ल्यूकोसाइट इन द सर्कुलेटिंग ब्लड और टिश्यू। जब बेसोफिलिया मतलब बेसोफिलिक की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, बेसोफिलिया, ठीक है, और ईओसिनोफिलिया की ज़्यादा क्वांटिटी हो जाए ब्लड ल्यूकोसाइट्स में तो उसको क्या कहेंगे, ईओसिनोफिलिया, ठीक। ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकीमिया क्या होता है, जब WBCs में क्या है ज़्यादा क्वांटिटी में जो है प्रोडक्शन होने लगे बोन मैरो में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर कॉज होता है। तो क्या है, मार्क्ड इंक्रीज इन WBC काउंट इन ब्लड ड्यू टू ट्यूमर ऑफ बोन मैरो लीडिंग टू ब्लड कैंसर, मतलब जब बोन मैरो में अगर ट्यूमर हो गया है आपके, है ना, जब बोन मैरो में किसी के ट्यूमर हो गया हो तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो WBC काउंट है, WBC की जो मात्रा वो अपने आप बढ़ने लगती, इंक्रीज होने लगती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड कैंसर कॉज होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रोपिनिया। न्यूट्रोपिनिया क्या है, मार्क डिक्रीज इन न्यूट्रोफाइल काउंट इन ब्लड ड्यू टू बोन मैरो डिप्रेशन, मतलब बोन मैरो जब प्रॉपरली फंक्शन ना करे, तो जब न्यूट्रोफाइल्स का मतलब WBCs और जो हो गए आपके न्यूट्रोफाइल्स का जब रिडक्शन हो जाए ब्लड में, तो उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रोपिनिया। लिम्फोसाइटोपिनिया में क्या है, मार्क डिक्रीज इन लिम्फोसाइट काउंट इन ब्लड, मतलब जो लिम्फोसाइट्स हैं उनका जो है ब्लड में रिडक्शन होने लगे, डिक्रीज होने लगे, कमी हो जाए, तो उसे लिम्फोसाइटोपिनिया कहेंगे, ठीक। हीमोलिसिस क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs। हीमोलिसिस का क्या मतलब है कि जब RBCs में डिस्ट्रक्शन हो जाए, डैमेज हो जाए, है ना, उसमें कोई डैमेज हो जाए RBCs के स्ट्रक्चर या फंक्शन में, तो उसको क्या कहेंगे, हीमोलिसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके, ये अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि ब्लड की वजह से होने वाले क्या क्या डिजीजेज होते हैं उनके टर्म्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, है ना। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे कि हार्मोन्स की वजह से जो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो क्या क्या होती हैं, ठीक।